राज सेवक, ये रोने की आवाज किस दिशा से आ रही? लंका में रोना वर्जित है, सुखी सकल रजनिश्चर की ने समस्त निशाचरों को सुखी कर दिया। फिर आखिर कौन है जो लंका में रुदन कर रहा है? इस रोने वाले का पता लगाओ, आखिर लंका में रुदन करने वाला कौन? भैया देखो ना भैया, मेरी ये दशा देखो ना भैया, बहन बज्जवाला, भैया तुम्हारी दीन दशा देख करके हृदय कंपित हो उठा है। कहो, रोने का कारण क्या है? क्या पारिवारिक कलह जिसने तुम्हारे आंखों में आंसू आने पर मजबूर कर दिया, या फिर कौन वीर पौरुष जग में जिसने तेरी ओर दृष्टि उठाई है? कहो। सुनो भैया, सुनो भैया, सुनो। और भैया तो लड़ो, सुख मारी सीता नामी एक नारी संग बेलाए, क्या कहा? पंचवटी में राम और लक्ष्मण, क्या ये वही राम लक्ष्मण है जो सुन तालुका क्रोध कर धाई, एक ही बाण प्राण हरणी नहा, जिसने तालुका का वध किया था, मुनि विश्वामित्र जी के साथ जाकर उनके यज्ञों को पूर्ण करवाया था, क्या वही राम लक्ष्मण? हाँ भैया, वही राम लक्ष्मण है। उन्होंने इतनी जरूरत की कि आकर के पंचवटी में अपना निवास बना लिया है। हाँ भैया, तो क्या तुमने हमारा नाम उनको नहीं बताया? बताया था भैया, सुनो भैया। और जब मैंने तेरा नाम लिया, डर गए होंगे? नहीं भैया, डरी नहीं, तो सुनते ही उसने दी गाली, अब मेरे कानों और कतर डाले, अब मेरी नाक काट डाली, अब मेरे आनो वो काटे ना कान तेरे, जिंदा रहे जमाने में, अरे तो फिर टूटे ये 20 भुजा, मेरी लानत है शत्रु उठाने में। लेकिन बहना, एक बात समझ नहीं आ रही, ये दुराचार, ये दुर्व्यवहार, क्या उस नरभूषण से नहीं कहा? उसका तो वही अखाड़ा था, क्या उस खरदूषण से नहीं कहा? कहा भैया। तो क्या हुआ? सुनो भैया, अरबों सेना ले कर गए उनका, अति घोर संग्राम हुआ, इतने में बड़े तपस्वी ने उन सब का काम तमाम किया।
भैया 14,000 सेना सहित मारे गए। गमनाक न हो बहना, उनकी नाक भी ना रखूंगा मिर्चों का, नाकों में उनके डला नकेल मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। जाओ तुम बैदराज सुखेन से अपना उपचार कराओ और हम उन तपस्वियों को देख लेंगे। सूप न खई समुझाई करी बल बोलस बहु भांति, गयउ भवन अति सोच बस नींद परई नहीं राती। जिस रावण के चलने से ये धरा डगमगाती थी, नाम मात्र सुनने से लोग डर जाते थे, दूसरे को रुड़ाने वाला आज उसी के घर में रुदन हो रहा है। उन वनवासियों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन विचार करता हूं, खर दूषण मौसम बलवंता, खर दूषण तीसरा मेरे समान बलशाली थे, तिनहि को मारे बिन भगवंता, उन्हें बिना परमात्मा के मारा नहीं जा सकता था। तो क्या जिस हेतु अवतार लेकर के आया था वही राम मेरी लंका की ओर आना चाहता है? आना चाहते हो तो लंका की ओर से तुम्हारा स्वागत है, युद्ध का बिगुल हम बजाएंगे लंका तक। हे वनवासी, तुझे हम जबरन बुलाएंगे, जबरन बुलाएंगे, चल सावधान, आज से मेरा और तेरा सीधा विरोध प्रारंभ होगा, मुझे मामा मारीच के पास जाना चाहिए। देखिए महाराज, रावण के मन में इस बात का सोच है, खरदूषण कोई साधारण थे नहीं, मारे गए तो महाराज